मथुरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मूसलाधार बारिश से कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ चुकी हैं। जिले के मझियाओ और कांडी प्रखंड से गुजरी कोयल नदी और सोन नदी भी उफान पर है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बीच अधिकारियों ने कोयल नदी के पुल का भी निरीक्षण किया है, जहाँ नदी के बाढ़ के दबाव की वजह से पुल में कंपन महसूस की जा रही है। इसके बाद सावधानी के तौर पर तुरंत पुल पर ट्रैक्टर को खड़ा कर आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बता दें कि कोयल नदी गढ़वा और पलामू जिले को जोड़ने वाला पुल है, जहां से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। कांडी प्रखंड के सतबहिनी गांव में गुजरी नदी पर नदी भी उफान पर है और बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से झरना का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया है। और अब आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां स्वर्णरेखा और खारकाई दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच ओडिशा और चांडिल डैम का भी फाटक खोल दिया गया है। अब इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर नदी का जलस्तर बढ़ता देखकर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से नदी के तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से शेल्टर होम और सामुदायिक भवन में लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। नदियों के निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम भी किया जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। बारिश जो लगातार 24 घंटे से 48 घंटे से जो बारिश हो रही है, कभी भी बारिश जब तेज होती है और जो फाटक खुलने के बाद बहाव जो है ब्लॉक हो जाता है नदी में, जिसके कारण नदी जो किनारे तट में है वहाँ पर पानी अचानक से बढ़ जाती है और बस्ती में घुस जाती है, लोगों के जान माल की हानि हो सकती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग 10 घंटा पहले 12 घंटा पहले से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस पर पूरे हमारी टीम लगी हुई है, पूरे प्रशासन की टीम लगी हुई है। अलर्ट मोड पर है और देख सकते हैं कि दोनों नदियां जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि उड़ीसा का भी डैम खोल दिया गया है, तो 7 से 8 घंटे में ही वो पानी जो है उड़ीसा का डैम का पानी ये दोनों स्वर्णरेखा और कर्काई नदी में पहुंचेगा। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला के उपायुक्त लगातार जो है वो निर्देश जारी कर रहे हैं और नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनको कई दिशा निर्देश भी दिया गया है। जो निचले इलाके है नदी से सटे जो निचले एरिया है उनको खाली करने का निर्देश दे दिया गया है और देख सकते हैं कि बाढ़ का खतरा जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अब मंडराने लगा है और बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जो एक बाढ़ का खतरा लगातार इससे भी बन सकता है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार नदी किनारे जो बस्ती एरिया है उनको खाली करा दिया गया है और जैसे ही पानी बढ़ेगा उसको लेकर लगातार लोगों को अब ऊंचे एरिया पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। नदी से बाहर निकलिए, सायरन बज रहा है, आप सभी को अलर्ट किया जा रहा है, नदी के किनारे तट से हट जाइए। दोनों डैम का फाटक खोल दिया गया है, अचानक से जलस्तर बढ़ जाएगी नदी की। आपकी जान और माल की सुरक्षा के लिए आप सभी को सूचित किया जा रहा है, नदी किनारे से दूरी बनाकर रखें। जो भी है नदी किनारे तुरंत नदी तट को खाली कीजिए। नदी डैम का पानी खोल दिया गया है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको सुरक्षा दृष्टिकोण से जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को सूचित किया जा रहा है, नदी तट से दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लखीसराय में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान उत्पादक किसान खेत में धान की रोपाई में जुट गए हैं। लगातार बारिश से सूखे पड़े नहर में पानी आ गया है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और किसानों में एक बार फिर से अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जग गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। लगातार हो रहे बारिश के बाद धान उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आप देख सकते हैं खेतों में जमा पानी देखकर धान उत्पादक किसान काफ़ी खुश हैं और दिन रात जो है किसान जो है लगातार धान की रोपाई में जुटे हुए हैं। वर्षा होने लग गई तो बहुत राहत मिला है। अच्छा। राहत, अब ऐसा लगता है कि धान अब उपज हो जाएगा।
ऐसा संभवतः लग रहा है। लगातार बारिश के बाद धान उत्पादक किसानों की उम्मीद काफी जगी है। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। और शेखपुरा जिले में बरसात के दिनों में सांप काटने की घटनाएं काफी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल में सांप काटने के इलाज के लिए सारी व्यवस्था की गई है। स्नेक वेनम इंजेक्शन की पूरी व्यवस्था है, जिससे सर्पदंश के शिकार हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अभी तक 14 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। सदर अस्पताल में क्या है तैयारी, बता रहे न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। के दिनों में शेखपुरा जिले में इन दिनों सांप काटने का घटना काफी हो रहा है और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भी लोग आ रहे हैं। हालांकि संतुष्टि वाली बात यह है कि सदर अस्पताल में सांप जो काटा जाता है, काट लिया अगर किसी को, तो उसके इलाज के लिए सारी व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि स्नेक एंटीबीमेन जो इंजेक्शन है वो भी पूरा भारी मात्रा में पड़ा हुआ है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। 90 से 95% केस जो है जो विषैले सांप नहीं होते हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं आता और उन्हें कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। 5% में दो तीन तरह से हो सकते हैं, कम सीवियर हो सकते हैं और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। कम सीवियर के लिए सभी सांपों का, जो जितना भी जहरीले सांप हैं, उन सांपों का एक ही दवा होता है, उसमें सभी सांपों के जहर का इंजेक्शन मिलता है, वो हम लोग उसको आवश्यकता के अनुसार चलाते हैं। एंटी वेनम जो स्नेक बाइट के बाद इंजेक्शन पड़ता है उपलब्ध है और इमरजेंसी में भी हम लोग दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारा जो मेन स्टोर है वहाँ भी स्टॉक करके रखा हुआ है। ये यहाँ सारी व्यवस्था मिल जाएगी आपको और सब जो टीकाकरण का वो या फिर इंजेक्शन, सारी सुविधाएं उपलब्ध है आपको और आप सुरक्षित होकर घर वापस जाएंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। और अब बात करेंगे सावन की। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से जल भरकर रोजाना लाखों शिव भक्त देवघर जा रहे हैं। कच्चे कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के अनूठे और अनोखे भक्त देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त से हम आपको आज मिलाते हैं जो दिव्यांग है, लेकिन बाबा की भक्ति उन्हें देवघर खींच लाती है। लखीसराय के रहने वाले गुलशन कुमार कच्ची कांवरिया पथ पर रेंगते हुए भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। गुलशन कुमार को भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, इसीलिए तो इन्हें औघड़दानी भी कहा जाता है। कच्ची कांवरिया पथ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से इस औघड़दानी के एक अनूठे भक्त हैं और कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के लिए निकल पड़े हैं। यूं तो कच्ची कांवरिया पथ पर रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन औघड़दानी के इस अनूठे भक्त को देखिए कि किस तरह से ये कच्ची कांवरिया पथ पर लगातार बढ़े चले जा रहे हैं। वाकई में भगवान भोलेनाथ के ये अनूठे